शासन चल रहा है 17 साल से भाजपा का शासन चल रहा है। पहले तो इन्होंने 2002 में राम के नाम के वोट लिए और राम का नाम से वोट लेके हम लोगों को गुमराह बनाया और अपना 13 दिसंबर को आप लोगों को एक फैसला सुनाना। फैसला मतलब जो लोग पिछले 17 सालों से गुजरात को लूट रहे हैं, गुजरात का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जो पिछले 17 वर्षों से गुजरात में विकास का झूठा प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भाजपा वालों की 13 दिसंबर को तेरवी करनी है आप लोगों को, यह कहने के लिए मैं आया हूं। खास मुंबई से आया हूं, चालू छे और सूरत में पहली बार भी नहीं आया हूं, पिछले 6 महीने में मेरे ख्याल से तीसरी बार आया हूं। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पिछली बार यहीं पे हमारी मीटिंग थी, तब चुनाव का वातावरण नहीं था, पीछे था और आगे था, तब चुनाव का वातावरण नहीं था, तब एक मुद्दा यहां पे आया था, मुझे आज भी याद है। उत्तर भारत के लोग बड़े पैमाने पर यहां पर कार्यक्रम में थे उस दिन, सबने कहा था भैया सूरत से बनारस की एक ट्रेन करके देता है। मैंने इसी मंच से घोषणा की थी कि अगली बार आऊंगा तो ट्रेन लेके आऊंगा। उसके दूसरी बार जब मैं आया तो कहीं और हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में ट्रेन के बारे में पूरी घोषणा करके दी मैंने। आते ही जब यादव जी ऊपर चढ़े तो मैंने पूछा कहा हो भैया ट्रेन शुरू हो गई, बोला हाँ ट्रेन शुरू हो गई। मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन है कि दो दिन, अगली बार उसको हफ्ते में 3 दिन कर देंगे। क्या है, सरकार से धीरे धीरे मांगा जाता है, एक ही बार सब कुछ नहीं मांगा जाता, बहुत लोग मांगने वाले हैं सरकार से, तो अभी हफ्ते में एक दिन है, उसके बाद 3 दिन कराएंगे, उसके बाद धीरे से रोज एक करा के देंगे। अब पूरे सूरत में रहने वाले जो अलग अलग पर प्रांतीय समाज के लोग हैं, चाहे मराठी भाषिक हैं, राजस्थान के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, दक्षिण भारत के भी लोग हो सकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में सोचने की पहली और आखिरी जवाबदारी किसी के ऊपर है तो हम कांग्रेस वालों के ऊपर है, ऐसा मैं साफ साफ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए यहां पे 17 वर्षों से बीजेपी की सरकार हो सकती है, सूरत के सांसद बीजेपी के हो सकते हैं, सूरत के धारा सभ्य बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन बनारस की ट्रेन लाने की जवाबदारी कांग्रेस वालों की थी और हमने वो जवाबदारी निभाई। अब एक आपसे वचन चाहिए, आपके कहने पे, आपकी मांग पे आपके लिए ट्रेन लाके दी हमने। अब ये तीनों लोगों को ट्रेन पे बैठा करके गांधीनगर विधानसभा में भेजिए, सिर्फ इस काम के लिए नहीं, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारा प्रश्न है, चारों तरफ चल रहा है कि बड़ा विकास किया जी, विकास किया, डेवलपमेंट किया, हम लोग गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसका विकास हुआ भाई? विकास की पहली परिभाषा यह है कि गरीबी कम हो, गरीब थोड़ा अमीर बने, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो। इसका मतलब गुजरात में 11 साल पहले 2001 में, 2002
वर्षों में जितने लोग गरीबी रेखा की संख्या से नीचे रहते थे आज उसकी संख्या कम होनी चाहिए। गुजरात सरकार का आंकड़ा चेक करिए जरा, उनके वेबसाइट पे देखिए, सरकारी आंकड़ा जो सरकार प्रस्तुत करती है। 11 साल पहले जब ये शासन आया था, जो दंगे फसाद की कोख से निकल के आया था, जो नफरत के आधार पर आया था, भाई भाई को लड़ा करके आया था, किसी औरत का सुहाग उजाड़ के आया था, किसी बेटे से उसका बाप छीन के आया था और किसी बाप से उसका बेटा छीन के आया था, ये सरकार जब से आई है तब से गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ी है। 11 साल पहले भाजपा की सरकार जब आई थी तब पूरे गुजरात में 23 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। आज का आंकड़ा क्या है, 2012 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 30 लाख हो चुकी है। यह इस बात को साबित करता है कि गुजरात में समृद्धि नहीं बढ़ी। अगर समृद्धि बढ़ी तो गरीबों की नहीं, 4-5 उद्योगपतियों की बढ़ी, दानी अदानी अंबानी एस्सार, बताए 15 पैसे के रेट पे 5,000 एकड़ जमीन दे दिया। पूरे 11 सालों तक यही किया गया। वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात तो वाइब्रेंट नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी वाइब्रेंट हो गई, हिलने डुलने लगी। कितने लाख करोड़ का एमओयू साइन किया गया जरा बताइए, अलग अलग वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख करोड़ का एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया अलग अलग उद्योगपतियों के साथ। जब एमओयू साइन होता है उसका मतलब होता है आगे वो काम धंधा चालू होगा। 11 साल में आज तक चालू नहीं हुआ। वाइब्रेंट गुजरात में जो जो वादा किया गया सारे के सारे कागजात आज भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में सिर्फ दस्तावेज बन करके पड़े हैं। आज भी कभी भी उसने असलियत का चेहरा नहीं देखा, मतलब एक भी उद्योग धंधा नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा, अगर कोई धंधा आया तो नैनो आया, यहां टाटा साहब का नैनो, कोई दिक्कत नहीं, हमको टाटा साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन टाटा का जब नैनो लेके आए तो काहे के लिए लेके आए? मैं पिछले कई महीनों से रेगुलर गुजरात आ रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता हूं, अहमदाबाद बड़ौदा सूरत आनंद सब जगह घूमता रहता हूं, मुझे आज तक एक नैनो की गाड़ी नहीं दिखी गुजरात की सड़कों पे। होगी तो पता चला मेरी आंखों से ओझल हो गया होगा। मुंबई में 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले नैनो दिखा, उसके बाद मुंबई की सड़कों पे हम नैनो नहीं दिखता। नैनो अगर कहीं दिखता है तो बंबई के बिल्डर लोग आजकल इश्तहार देते हैं, एक फ्लैट पे एक नैनो मुफ्त मिलेगा, आप हमारा फ्लैट खरीदो। नैनो का काम सिर्फ इतना रह गया, ठीक है आप लेके आए। बेचारे टाटा साहब को उधर ममता बनर्जी बंगाल में तंग कर रही थी, उनको फैक्ट्री डालनी थी, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का कार देना चाहता हूं मुझे कोई मौका। तो इससे पहले कि हम लोग बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में टाटा का बहुत बड़ा सेटअप है अपना, इससे पहले कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ के जो भारी नेता है, जो विकास पुरुष बनते हैं, उन्होंने देखा ये मौका है अपनी इमेज चमकाई जाए, बोले टाटा आ भी जाओ हमारे हमारे यहां, आ भी जाओ, बुला लिया अपने यहां, कई 100 एकड़ जमीन दे दिए गरीब लोगों के, किसानों के खेती का जमीन जबरदस्ती छीन के नैनो को दिया, उनके पुरखों की जमीन दिया, जो किसान नहीं दे रहे थे उनसे दादागिरी और गुंडागर्दी करके जमीन छीना, और उसके बाद 33,000 करोड़ का पैकेज दिया गया सारा का सारा राज्य सरकार की तरफ से, उसमें सिर्फ 2,000 करोड़ टाटा का। अब 33,000 करोड़ किस भाव पे दिया, ब्याज दर क्या था? आप हम लोग जब घर के लिए होम लोन लेने जाते हैं तो कितने
परसेंट ब्याज पे मिलता हमको होम लोन, कहीं 10%, 12%, 13%, पहले 6% था, फ्लोटिंग रेट था, 6 से 12 तक पहुंच गया। 12% से कम पे आज होम लोन कहीं नहीं मिलता। एक गरीब अगर घर के लिए लोन लेना चाहे तो, व्यापारी लोग जब बैंक जाते हैं लोन लेने, उनको भी 12-13%, 9% से लेकर 13% के रेट पे मिलता है। टाटा को भाजपा की सरकार ने 0.001% के रेट पे 33,000 करोड़ का लोन दिलवाया, खुद सरकार गारंटर बनी। 0.01% का मतलब हुआ 100 रुपए में से 1 पैसा ब्याज की दर। इतना सस्ते ब्याज पे अगर नैनो लाया तो कम से कम वहां के सानंद के लोगों को रोजगार तो दिलाते। लेकिन आज तक नैनो की फैक्ट्री में एक भी गुजराती को रोजगार नहीं मिला। आज कहते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां से लाओगे? 11 साल में तो किसी को रोजगार दिया नहीं, ये उनका चुनावी वादा है। दूसरा चुनावी वादा बड़ा मशहूर वादा है कि हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो 50 लाख घर बनाएंगे। 11 साल में तो एक घर नहीं बनाया, अब क्या गारंटी है कि आने वाले 5 साल में आप 50 लाख घर बनाएंगे? 50 लाख घर का मतलब हुआ एक साल में लगभग 10 लाख घर बनाना। एक साल में 10 लाख घर बनाने का मतलब रोज लगभग 4,500 घर बनाने पड़ेंगे। 4,500 घर बनाने का मतलब यह हुआ, अगर एक घर 500 स्क्वायर फीट का हुआ तो लगभग 2 करोड़ स्क्वायर फीट बांध काम रोज करना पड़ेगा गुजरात में। बीजेपी वालों की पूरी खानदान लग जाएगा तो भी ये काम वो नहीं कर सकते रोज। अब 4,500 फ्लैट बनाने के लिए अगर 2 करोड़ स्क्वायर फुट बांध काम बनाना है तो 1 स्क्वायर फुट बांध काम का जो खर्चा आता है वो 1,000 रुपए आता है। मुंबई का भाव बता रहा हूं आप, यहां भी यही होगा। मतलब 2,000 करोड़ रुपए रोज खर्चा करना पड़ेगा, कहां से लाओगे 2,000 करोड़? मतलब लोगों के आंखों में धूल झोंकने का भाजपा की तरफ से जो चुनावी वादा हुआ है उस वादे से सावधान होने की जरूरत है, ये मैं आपको बताने आया हूं। ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में सच्चाई बताऊंगा तो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि कोई सच ना बताए। तो ऐसे भाजपा के झूठे, भाजपा के बेईमान, भाजपा के भ्रष्टाचारी विकास के नाम पे ढोंग करने वाले विकास पुरुष, ऐसे भाजपाइयों के झूठ और फर्जी वादों से सावधान होने की जरूरत है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके लिए मैं आया हूं। जब मैं उधर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में गया तो एक गांव में मेरी मिट्टी की लगी थी, वहां के किसान मुझे मिले। मैंने सारे खेडूत लोगों से पूछा कि भाई मैंने सुना है गुजरात में बड़ा विकास हुआ, हर आदमी बड़ा खुश है, प्रसन्न है, तो आप किसान लोगों की क्या हालत है जरा मुझे बताइए। गुजरात के किसानों ने जो दुख दर्द बताया है वो दिल दहला देने वाला है। 17 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी गुजरात में तो गांव गांव में किसानों को 14 से 15 घंटे बिजली मिलती थी। भाजपा वालों ने उस चुनाव में झूठा प्रचार किया, हमको मौका दो हम 24 घंटे बिजली देंगे। गांव गांव में हमारे खेडूत को 8 घंटे से भी ज्यादा बिजली आज नहीं मिल रही है। 10 लाख से ज्यादा किसान बिजली का कनेक्शन मांगने के लिए लाइन में लगे, वर्षों से उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। 10 लाख से ज्यादा किसान को बिजली नहीं, पानी का प्रश्न जब मैंने उनसे पूछा, एक बात बता दूं, जो सरदार सरोवर योजना का बार बार जो बीजेपी वाले श्रेय लेते हैं, जब बीजेपी वाले पैदा नहीं हुए थे
तब सरदार पटेल ने सरदार सरोवर की कल्पना की थी। पूरी योजना नर्मदा का पानी गुजरात में आए, घर घर में जाए, हर खेत को मिले, ये कांग्रेस का सपना था। ठीक है, हम फिर सरकार में नहीं थे, यहां बीजेपी ने वादा किया था कि 2012 तक सरदार सरोवर के सारे कैनाल हम बना के दे दें, सॉरी 2010 तक बना के देंगे। आज 2012 हो गया, 30% से ज्यादा कैनाल तैयार नहीं है। उसके ऊपर जो कैनाल और कैनाल बना और कैनाल का पानी आया, उस पानी पे पहला हक किसानों का था। हम लोगों ने महाराष्ट्र में कायदा बनाया, ये कायदा मैं चाहता हूं कि आपको पता चले, गुजरात के बीजेपी वालों को पता चले और कांग्रेस वालों को जरूर पता चले कि जब आपकी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र की इस योजना को आप भी लागू करिए ताकि आम आदमी को फायदा हो। वो योजना क्या है, पानी का तीन उपयोग होता है, पानी का तीन उपयोग होता है, एक पीने के लिए, दूसरा खेती के लिए और तीसरा कारखाने के लिए। हमारे यहां झगड़ा चलता था ऐसा, हमारी सरकार ने बकायदे कायदा बनाया पानी के ऊपर पहला हक जनता का पीने के पानी के तौर पे होगा, दूसरा हक किसानों को खेती के लिए देंगे और तीसरा हक कारखाना वालों को देंगे हम। यहां उल्टा हो रहा है, जो सरदार सरोवर का पानी आ रहा है वो पानी खेती के लिए नहीं कारखाने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए हमारे जो खेतिया रहे, जो किसान है, यहां पे परेशान है, तो किसान परेशान, गरीब लोगों को घर नहीं मिला। घर की एक कहानी आपको मालूम होगी, कांग्रेस पार्टी ने 6-8 महीने पहले सिर्फ एक घोषणा कर दी, साहब हमारी सरकार आएगी तो हम घर नू घर योजना शुरू करेंगे, सभी को हम एकदम सस्ते कीमत पे 75,000 में वन रूम किचन, 1,00,000 में टू रूम किचन, एकदम सस्ते में लोन के साथ हम घर देंगे। और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में उसका फॉर्म बटेगा, एक हफ्ते में 40,00,000 फॉर्म वहां पे लोगों ने लिए, एक कितना 41,00,000 लोगों ने घर के फॉर्म लिए। ये इस बात को साबित करता है कि गुजरात का आम आदमी बीजेपी के शासन में बेघरबार है, उसके पास घर नहीं है। उसका कारण है, अपने सोनौने जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि पिछले 11 वर्षों से गुजरात